टीबीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का और कोदंडा रेड्डी के अलावा दीकर कांग्रेस पार्टी लीडर ने गांधी भवन में एक इजलास मुनाकिद किया। इस दौरान कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। देखिए उत्तम कुमार रेड्डी का क्या कहना है। चंद्रशेखर राव साहब ने जो अनाउंसमेंट किया था कि एग्रीकल्चर क्रॉप जो है वो इमेज में नहीं करेंगे, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि तेलंगाना की पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 60-70% लोग फार्मर्स, फार्म लेबर और जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो 60-70% पॉपुलेशन है। और इनके विषय में अगर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि अब जो कर लो हम, मैं तो अभी नहीं करूँगी बात, ये बहुत दुख की बात है। हम डिमांड करेंगे कि चंद्रशेखर राव साहब ज़रूर इस एग्रीकल्चरल क्रॉप को खरीदना ही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है, अगर नहीं करेंगे आपको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर रहने का हक है। इस डिमांड से हम लोग में जाएंगे, कल से मंडल लेवल मीटिंग्स करेंगे, उसके बाद 11 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर 18 तारीख स्टेट।